हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए कल यानी 27 मई को शाम को जो है जेएनएम फर्स्ट ईयर और जेएनएम सेकंड ईयर वालों छात्रों के लिए जो कहे तो एमपीएनआरसी की तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, कहे कि एक बहुत बड़ी जो है अपडेट आई हुई है एमपीएनआरसी की तरफ से जेएनएम फर्स्ट ईयर और जेएनएम सेकंड ईयर छात्रों के लिए। ओके, तो जिन छात्रों का जो रिजल्ट बाद में आया है या उन लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ी अपडेट है। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे जिन छात्रों का जो रिजल्ट है वो बाद में आया है उनके लिए क्या अपडेट है, और जानेंगे कि किन किन छात्रों को जो है रिवॉल्यूशन फॉर्म डालना चाहिए या तो रीचेकिंग फॉर्म जो कहते हैं कौन कौन से जो छात्रों का जो है वो अप्लाई करना चाहिए और कौन कौन से छात्रों का नहीं करना चाहिए, और रीचेकिंग करने के लिए कहे तो रिवॉल्यूशन फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। तो आज के वीडियो में जो है टोटल हम यही बातें करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी के लिए इतनी मेहनत से वीडियो हम बनाते हैं और आप लोगों को इतनी अच्छी बात बताते हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं बताते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ओके, तो और जो चैनल है यूट्यूब पर यदि वो कुछ भी दिखा दें, कुछ भी फेक न्यूज़ जो है थंबनेल आपको बनाकर दिखा दें, आप जो है उनको बहुत व्यू देते हैं, बहुत जो है शेयर करते हैं वीडियो को, लेकिन आप ये वीडियो शेयर नहीं करेंगे क्योंकि आपको सही जानकारी दिया जा रहा है, इसलिए आप जो है ये वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, छोड़िए उसे बातों और जान लेते हैं कि क्या कुछ जो नोटिफिकेशन है वो आया है। देखिए, जिन छात्रों का रिजल्ट जेएनएम फर्स्ट ईयर और जेएनएम सेकंड ईयर का बाद में आया था उनका जो है रिवॉल्यूशन फॉर्म जो है ऑनलाइन शुरू हो गया है। ओके, आज यानी 28 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक जो है उनका रिवॉल्यूशन फॉर्म ऑनलाइन होना है, यानी कि टोटल जो है 4 दिन का समय मिल रहा है। 28 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई तक जो है उनको उनके पास जो है 4 दिन का टोटल जो है समय है। आप सभी के पास जो समय है वो उतने में जो है आप लोग ऑनलाइन रिवॉल्यूशन फॉर्म भरने के लिए काफ़ी है, 4 दिन समय कम नहीं होता है। जिनका भी लगता है कि मेरे मार्क्स कम है तो जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दें। कहे तो 21 मई तक आप सभी का जो है जिनका जेएनएम फर्स्ट ईयर और जेएनएम सेकंड ईयर का रिजल्ट बाद में आया था, जो छात्रों का रिजल्ट जो बाद में आया था उन लोगों का जो है उनका जिनका मार्क्स कम है, उन छात्रों का जिनका मार्क्स कम है तो वे लोग जो है अपना रिवॉल्यूशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर अपना रिवॉल्यूशन फॉर्म जो है फिलअप कर दें। वो सप्लीमेंट्री के एग्जामिनेशन के फिलहाल में नहीं रहे, अपना रिवॉल्यूशन फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आपके लिए सही होगा। यदि आप सप्लीमेंट्री का एग्जामिनेशन के चक्कर में रहते हैं कि हम सप्लीमेंट्री अगर पास हो जाएंगे तो आपको तो पता ही है कि मध्य प्रदेश में कितना जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन हो रहा है। ओके, 4 सालों में एक बार एग्जामिनेशन हो रहा है, 4 साल बाद जो है एग्जामिनेशन हो रहे हैं उन लोगों का। आप लोग जो है सप्लीमेंट्री के चक्कर में नहीं रहिए, आप लोग जिनको भी लगता है कि मेरा 2 नंबर, 4 नंबर कम है, 10 नंबर कम है, तो आप लोग रिवॉल्यूशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन से छात्र जो है रिवॉल्यूशन फॉर्म डाल सकते हैं और इसको डालने में कितना पैसा लगता है। ओके, ये सारे बात जो है हम जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तरफ से 27/5/2024 को जो है एक नोटिस आया है। इसमें क्या कहा गया है कि मई माह 2023 में संपादित की गई सत्र 21/22 की जीएनएम प्रथम वर्ष व सत्र 20/21 की जीएनएम द्वितीय वर्ष के न्यू कोर्स की मुख्य परीक्षा के रिटोटलिंग रीचेकिंग के संबंध में। ओके, यह जो है रीचेकिंग और रिटोटलिंग के संबंध में जो है यह नोटिस आया है। जीएनएम फर्स्ट ईयर और जीएनएम सेकंड ईयर जिनका एग्जामिनेशन जो है सीजन 2021-22 का जो है फर्स्ट ईयर और सीजन जो है 2020-21 का जो है वो सेकंड ईयर का जो एग्जामिनेशन हुए थे उन छात्रों के लिए है। ओके, तो देखिए इससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से जो छात्र हैं वो रिवॉल्यूशन फॉर्म डाल सकते हैं, अपना रीचेकिंग कर सकते हैं। देखिए, जिन छात्रों का जो लगता है उनको 2 नंबर, 4 नंबर या 10 नंबर से वो फेल हैं, 10 नंबर मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में कम है, उनसे जो है उनको क्रॉस लग रहा है, तो वो छात्र जो है अपना रिवॉल्यूशन फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए क्या बोले? जो छात्रों को लगता है कि उनका वो अपने सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, कहे तो उनको 2 नंबर, 4 नंबर या फिर 1 नंबर से फेल हैं या फिर 10 नंबर से फेल हैं या फिर 15 नंबर से, तो वो छात्र जो है अपना रिवॉल्यूशन फॉर्म डाल दें, इस चेकिंग के लिए ऑनलाइन कर दें। ओके, वो 28 मई 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक जो है उसका डेट आया है जिन छात्रों का रिजल्ट बाद में आया था। और इसमें कितना पैसा लगता है? देखिए, एक सब्जेक्ट का जो है आपको एक सब्जेक्ट 150 रुपये लगेगा, एक सब्जेक्ट का जो है आपको 150 रुपये लगने वाले हैं। तो टोटल जो है आप टोटल 4 सब्जेक्ट का जो टोटल 2 सब्जेक्ट का आपका 300 हो गया। ओके, 2 सब्जेक्ट का 300 हो गया यहाँ पे और 4 सब्जेक्ट का जो हो गया आपके 600 रुपये हो गए। तो आपको 600 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आप सप्लीमेंट्री देते हैं तो काफ़ी दिन तक आपको इंतजार करना होगा आपके रिजल्ट के लिए। ओके, तो एक सब्जेक्ट के लिए आप समझिए कि 150 रुपये लगते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए 150 लगते हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। आप रिवॉल्यूशन फॉर्म कहे तो ऑनलाइन जो रिवॉल्यूशन फॉर्म फिलअप हो रहा है उसको आप भर दें। ओके, या फिर कहे तो जो रीचेकिंग है वो अपना रीचेकिंग करा लें, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और चलिए, आप तो समझ ही गए होंगे कौन कौन से जो छात्र हैं वो रिवॉल्यूशन फॉर्म डाल सकते हैं, कौन कौन से छात्र जो हैं उनका कितना पैसा लगेगा। एक सब्जेक्ट 150 रुपये लगेगा और जिन छात्रों का मार्क्स कहे तो वो फेल है किसी सब्जेक्ट में, वो 1 नंबर से 2 नंबर से या 10 नंबर से फेल है, वो डाल दें। जिनको भी लगता है कि मेरा मार्क्स कम है तो डाल दें, क्योंकि जहाँ तक हम देखे हैं कि रिवॉल्यूशन जो रीचेकिंग होता है उसमें जो है अभी तक जो हम मध्य प्रदेश के जो छात्रों से बात की है तो किसी का मार्क्स घटा नहीं है। ओके, मार्क्स जो है रीचेकिंग करने के बाद मार्क्स जो है उनको बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन मार्क्स कम नहीं हुआ है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है रिवॉल्यूशन फॉर्म डाल दें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि लेटर में क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए,
वही बात 23 में संपादित की गई सत्र 21-22 के जीएनएम प्रथम वर्ष एवं सत्र 20-21 के जीएनएम द्वितीय वर्ष न्यू कोर्स की मुख्य परीक्षा टोटलिंग रीचेकिंग के संबंध में समस्त नर्सिंग संस्थाओं एवं छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि मई 2023 में आयोजित की गई सत्र सीजन 21-22 के जीएनएम प्रथम वर्ष एवं सीजन 20-21 के जीएनएम द्वितीय वर्ष के न्यू कोर्स की मुख्य परीक्षा प्राथमिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिस हेतु पूर्व में रीचेकिंग और रिटोटलिंग की लिंक जो है प्रदान की गई थी। पहले जो है आपको जो छात्रों का पहले रिजल्ट आया था उनके लिए जो है रीचेकिंग और रिटोटलिंग का जो लिंक है वो पहले ही प्रोवाइड की जा चुकी थी, और जो छात्रों का लेट रिजल्ट आया है उनके लिए जो है अब जो है वो ऑनलाइन लिंक जो है प्रोवाइड की गई है। संस्थाओं से अनुरोध कर अंतिम बार संबंधित पाठ्यक्रम के रिटोटलिंग एवं रीचेकिंग के फॉर्म फिलअप करने के लिए लिंक जो है 28/5/2024 ले लेकर 31/5/2024 तक अंतिम बार प्रदाय की जा रही है। यानी आपको कहेगा जो लिंक जो है आपका वो अंतिम बार जो है 28/5 ले लेकर 31 तक जो है अंतिम बार आपको प्रोवाइड की गई है, इसके बाद जो है आपका लिंक जो है प्रोवाइड नहीं की जाएगी। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में परीक्षा परिणाम में टोटलिंग एवं रीचेकिंग के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ओके, यह जो समय सीमा खत्म हो जाता है आपका किसी भी प्रकार से जो है रीचेकिंग के लिए आवेदन जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिसके लिए संस्थाएं एवं छात्र छात्राएं स्वयं उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए जो छात्राएं हैं और जो कॉलेज है खुद जो है जिम्मेवार होंगे। देखिए आपके लिए जो लिंक है यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड किया जा चुका है, इस लिंक पर जो है आप ऑनलाइन जो है अपना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन जो छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और किनको करना चाहिए और कितना पैसा लगता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ओके, तो दोस्तों आप मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी छात्रों तक जो है न्यूज़ पहुँच सके। देखिए आपको जो है मैं कोई भी गलत न्यूज़ नहीं बताता हूँ, जो भी न्यूज़ है वो सटीक और सही न्यूज़ जो होता है तो ही बताता हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि आपको थंबनेल लगा दिया कुछ और आपको देखने के लिए और न्यूज़ जो है आपको कुछ और बता दिए, अपने व्यू के लिए जो है न्यूज़ नहीं बताते हैं, आप तक जो जानकारी है वो सटीक और सही जानकारी आप तक पहुँच पाए, इसीलिए जो है आपको मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर बताया जाता है, आपको कोई गलत न्यूज़ नहीं बताया जाता है, आपको जो है सारे कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है। सिर्फ मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल है जो MP NRC से रिलेटेड जो न्यूज़ बताते हैं, सिर्फ मेडिक नॉलेज है जो सभी का रिप्लाई देता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।